हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं सईद और वेलकम टू टेक्नो सईद यूट्यूब चैनल। अच्छा तो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में 20 प्लस प्रीमियम थीम के बारे में बताएंगे कि जो कि आप अपने ब्लॉग में यूज़ करके अपनी वेबसाइट को, अपने ब्लॉग को प्रोफेशनल बना सकते हैं। इसके साथ साथ एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताएंगे जिधर से आपको 20 प्लस टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, वो भी SEO रेडी, SEO फ्रेंडली टेम्पलेट्स। सो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहला टेम्पलेट है ये फूड के हवाले से, अगर आप कुकिंग वगैरह पर आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, फूड वगैरह पर आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा टेम्पलेट है, प्रीमियम टेम्पलेट है, इसे आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये फैशन के हवाले से, अगर आप लाइक फैशन वगैरह पर आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं तो आप इसे जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये न्यूज़ प्रो है, इसका नेम है, ये न्यूज़ प्रो इसका नेम है। अगर आप न्यूज़ पर वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा टेम्पलेट है, न्यूज़ पर आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा टेम्पलेट है, इसे जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद है वो स्पोर्ट के हवाले से, अगर आप लाइक बनाना चाह रहे हैं, क्रिकेटर ने ऐसा कर दिया, फुटबॉलर ने ये कर दिया, वो कर दिया, तो आप इसे जरूर इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही SEO फ्रेंडली और प्रीमियम टेम्पलेट है, इस पर आपको एडसेंस का अप्रूवल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये ट्यूब मार्क इसका नेम है, अगर आप बनाना चाह रहे हैं कार्टून वगैरह पर कार्टून वगैरह की वीडियोस बनाना चाह रहे हैं, वीडियोस बनाकर अपलोड करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ही प्रीमियम टेम्पलेट है, आप इसे जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टेम्पलेट है ये सोरा फिल्म वेबसाइट टेम्पलेट है, ये फिल्म वगैरह के लिए टेम्पलेट है, प्रीमियम टेम्पलेट है, और 3D टेम्पलेट है, आप इसे जरूर इस्तेमाल करें, ये बहुत ही SEO फ्रेंडली टेम्पलेट है, और आपको एडसन का अप्रूवल तो मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट पर नहीं मिलता, आप इसे अल्टरनेटिव इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट है ये टाइमलाइन का टेम्पलेट है, अगर आप आर्टिकल वगैरह लिखना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा टेम्पलेट है, आप इसे जरूर इस्तेमाल करें। इसके बाद जो नेक्स्ट वेबसाइट है ये बहुत ही अच्छा टेम्पलेट है, अगर आप आर्टिकल वगैरह लिखना चाह रहे हैं तो आप इसे जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, अच्छे तरीके से आर्टिकल को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, अपनी वेबसाइट को लुक अच्छी देना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा टेम्पलेट है। इसके बाद जो नेक्स्ट वेबसाइट है ये गेमिंग के हवाले से है, आपको इधर लॉग इन रजिस्ट्रेशन का बटन वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा टेम्पलेट है, आप इसे जरूर इस्तेमाल करें, अगर आप गेमिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, गेमिंग की वीडियो बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो अगर आपका गेमिंग चैनल हो तो आप इधर गेमिंग को अपलोड भी कर सकते हैं, तो आप इधर से काफी ज्यादा इसके फीचर भी आप इसे हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वेबसाइट है ये फैशन के हवाले से लाइव फैशन, आप इसे जरूर इस्तेमाल करें, ये फैशन का के लिए बहुत ही अच्छा और प्रीमियम टेम्पलेट, स्पेशल फैशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये SEO बूस्ट है, इसमें SEO फ्रेंडली आपको कह सकते हैं टेम्पलेट मिला है, इसमें आप एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और सारी सेटिंग इसकी ऑलरेडी पहले से की गई है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टेम्पलेट जिसे कह सकते हैं वो है, बहुत ही अच्छा टेम्पलेट है, अगर ये भी फैशन के हवाले से टेम्पलेट है और काफी अच्छा टेम्पलेट है, आप इसे जरूर इस्तेमाल करें। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये भी बहुत ही अच्छा टेम्पलेट है फैशन के हवाले से, तो आप इसे जरूर इस्तेमाल कीजिएगा अगर आप फैशन वगैरह पर आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं तो। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो भी अच्छा टेम्पलेट है, अगर आप आर्टिकल वगैरह लिखना चाह रहे हैं, अच्छे तरीके से अपनी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो आप इसे जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो भी बहुत ही अच्छा कह सकते हैं उसे टेम्पलेट है, प्रीमियम टेम्पलेट है, अगर आप फोटोग्राफर हैं तो आप अपनी फोटोग्राफी को बेचना चाह रहे हैं या अपनी फोटोग्राफी के लिए आप स्पेशल वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा टेम्पलेट है। इधर से पहले आपको मेंस की फोटोग्राफी के लिए आप ऑप्शन मिल जाएगा, लोड मोर करने पर आपको मजीद मिल जाएंगे, इधर से आपको काफी अच्छा डाउनलोड बटन भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये बहुत ही अच्छा टेम्पलेट है, बहुत ही अच्छा टेम्पलेट है, अगर आप ई लर्निंग इसका नेम है, अगर आप लर्निंग के हवाले से वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, लाइक एजुकेशनल वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा टेम्पलेट है। इसके बाद जो नेक्स्ट टेम्पलेट है ये अगर आप मैगजीन का टेम्पलेट ढूंढ रहे हैं, मैगजीन के हवाले से टेम्पलेट, तो ये बहुत ही अच्छा टेम्पलेट है, मैगजीन पर अगर आप आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, मैगजीन वगैरह आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो आप ये आर्टिकल को जरूर इस्तेमाल करें। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रीमियम थीम है, इसका नेम आपने वर्डप्रेस में सुना होगा, वन पेज टेम्पलेट आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि लाइक अगर मैं इधर अबाउट पर क्लिक करता हूँ, फीचर पर क्लिक करता हूँ, ब्लॉग पर क्लिक करता हूँ, तो एक ही पेज में ये सारा काम क्लियर कर देगा, ठीक है। होम पर क्लिक करता हूँ तो ये एक ही पेज में सारा हमारा काम क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह ये है वन पेज टेम्पलेट, ये बहुत ही अच्छा टेम्पलेट है, इसे मैंने पर्सनली यूज भी किया हुआ है, और एक वेबसाइट मेरी XMX टेम्पलेट पर बनी हुई है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा टेम्पलेट है, इसको मैंने पर्सनली यूज भी किया हुआ है, इसे जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद जिस वेबसाइट की तरफ मैं आपको लेकर जा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप उसका जरूर विजिट कीजिएगा, इसका नेम है submera.com, इधर से आपको SEO प्रीमियम थीम मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर मैं ब्लॉगर टेम्पलेट पर क्लिक करूँ, 3D ब्लॉगर टेम्पलेट पर क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ, और इसके बाद अगर मैं इसकी इमेज पर क्लिक करता हूँ तो ये नए पेज में ओपन होगा, और इसके बाद 15 सेकेंड का टाइमर आएगा, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे फिर 15 सेकेंड का टाइमर आएगा, फिर आपने डाउनलोड पर क्लिक करना तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये है प्रीमियम टेम्पलेट,
और अगर आप इन्हें डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे ज़रूर डाउनलोड करें। इसको तो नहीं, खैर जो मैंने 20 टेम्पलेट आपको बताया इनको आप अगर डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे ज़रूर विजिट करें और डाउनलोड करें। और भाई को दुआएं दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।